हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने मिल के साथ खुश होंगे। तो पिछली बार मैंने यम सुबह के टिप्स और ट्रिक्स पर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर अजय भाई ने मुझे कमेंट करके कहा कि अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में अपनी वॉइस डाला करूँ। तो अब अजय एम सुबह मतलब अपने अजय भाई यम सुबह के इतने जो महान प्लेयर हैं उनको ना तो नहीं कहा जा सकता है, इसलिए सोचा चलो बना देता हूँ वीडियो अपनी वॉइस डाल के। तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कैंपेन मिशन में जो एक प्रॉब्लम है बहुत से प्लेयर्स को फेस करना पड़ रहा है, वो ये जब आप कैंपेन मिशन में आप एंटर करते हो तो आपका ये चूटी सेटअप है मतलब आपका जो क्लॉ है अपने आप रीसेट हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका रीज़न तो नहीं मुझे पता, लेकिन कैसे सॉल्व करिए बताने वाला हूँ, क्योंकि एम सी भाई जो प्रॉब्लम आती है एम सी भाई में उसके रीजन्स किसी को नहीं पता होते, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के। वो मैं आपको अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम दिखती छोटी है लेकिन है बहुत मोटी, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिखती छोटी है लेकिन अगर आप चलिए अभी देखिए मेरा भी एचयूडी जो क्लॉ है रीसेट हो चुका है। देखिए मेरा फायर बटन यहाँ पे आ गया ऊपर और उसको यहाँ पे एक बार कोने में चला गया और ये नीचे ग्रेनेड भी है जो वेपन चेंज और रिलोड का बटन है मतलब ऑप्शन है उस पर चला गया। आपको अभी क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार गेम पॉज करना है उसके बाद रिज्यूम हो गया काम आपका। देखिए फायर बटन मेरा जहाँ था वहाँ आ गया, इसको का भी ऑप्शन जाता हूँ अब आ गया, ग्रेनेड का भी कोने में चला गया, वेपन रिलोड और चेंज का भी ठीक है। ये मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार गेम को पॉज करना है उसके बाद रिज्यूम करना है, इतना ही करना है फिर गेम को खेलना है। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली आपकी जब आप कैंपेन मिशन में आप इंटर करेंगे, तो हर बार ऐसे ही होगा। जस्ट आपको मतलब एक जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं आती एम सी भाई की तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, और नेक्स्ट अपडेट में भी वो सॉल्व करेंगे या नहीं नहीं पता। प्रॉब्लम बड़ी नहीं है वैसे, सिर्फ आपको एक पॉज करके रिज्यूम करना है और कोई नहीं और क्या, बात तो खत्म हो गई। ठीक है तो फिर अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर लेकिन फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी देखूँगा क्या प्रॉब्लम है।